जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो, किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दें? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दें? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो ये तीन राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। और मैं आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि कृपया आप मुझे ये बताइए, मैं जब जवाब देने खड़ा हूंगा तब पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा। आपके एक एक जो शंकाएं हैं, सवाल है, आपका एक एक स्पष्टीकरण जो मांगेंगे वो सब स्पष्टीकरण करूंगा। मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों पर जो प्रताड़ना हुई है मानवर, वो जाए कहां? कहां जाए? उनको जीने का अधिकार है या नहीं? हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? वो किसी देश के नागरिक बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहाँ के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ। किसी को भी चिंता करने की, कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, डरिए मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और संविधान के स्पिरिट के साथ चल रही है, माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, इसमें किसी को।